कुछ कंपनी मिस्टेक करती है, कुछ खराबियां मिस्टेक करते हैं और भुगतना मैकेनिकों पर। आ जाओ, हरे कलर दिखना चाहिए बस, कैसे कर। हाँ, हरा कलर दिख रहा है ना भाई, ये देखो। अब यहाँ मिस्टेक देखना कंपनी की, देख रहे हो ना, ये सीधा गरारी को पलट दिया। इसमें भी बीच में पॉइंट है और इस गरारी के भी बीच में पॉइंट है। बीच में नहीं रहना चाहिए, एक गरारी के बीच में रहना चाहिए, एक साइड में दांते में रहना चाहिए। लेकिन ये क्या है, हरा पेंट देख के खरादिया भाई साहब ने क्या किया, ठोक दिया है। क्योंकि दोनों एक ही तरफ हरा ही हरा आएगा, और इधर भी निशान है, इधर भी दिखाओ जरा, इधर दिखाओ। ये देखो, एक पीला पेंट यहाँ है, क्लियर करते जाओ, और एक देखो पीला पेंट, वाइट कलर का जो पेंट है यहाँ, इधर आ जाओ। टाइमिंग बांध रहे हैं नॉर्मली, तो क्या होता है टाइमिंग में, इधर दिखाओ जरा। ये आ जा, ये देखो टाइमिंग का लोक यहाँ लगता है, ये देखो टाइमिंग का लोक लग गया, यानी कि यहाँ पे टाइमिंग आता है। लेकिन ये देखो, ये सारी टाइमिंग आउट हो गई तीन नंबर की, देख रहे हो ना, तीन नंबर का कहाँ है। देखो तीन नंबर का वाल इंटेक वाला खुला हुआ रहना चाहिए, वो फर्स्ट नंबर पिस्टन टीडीसी पोजीशन पे है, टॉप डेड सेंटर पे। तब तीन नंबर का जो वाल है ये खुला हुआ रहना चाहिए, लेकिन ये ऊपर है, जो कि नीचे रहना चाहिए। इसको दबा हुआ वाल को दबा के रखना चाहिए, दो नंबर का वाल दबा के रखना चाहिए। ये तो टाइमिंग सही है दो नंबर का, लेकिन तीन नंबर की टाइमिंग आउट हो रही है। कारण कारण खरादिए ने गलत ठोक दिया इसको। अब आ जाओ असली रिजल्ट आपका, इधर दिखाओ जरा। ये है वाइट पेंट, और एक ये वाइट पेंट है। अब देखो भाई, वाइट पेंट वाइट पेंट दोनों का सेम, देख रहे हो ना कहाँ मार्का है, जो कि मार्का एक अल्टर होता है, मार्का एक नीचे देगा। वाइट पेंट दिख रहा है ना, अब देखो आप, गलत है ये गरारी, गलती। अब खरादिया क्या करेगा, कोई भी खरादिया ये पेंट को देख के पेंट के तरफ में ठोक देगा। ये केम हमने बदला था, नया केम बदली थी, पुराने केम उठाओ जरा एक, ये देखो केम हमने बदला था, तो गरारी यहाँ से निकालनी पड़ेगी, खरादिया निकालेगा जैसी बात। अब खरादिया ने मिस भाई में, उन्होंने तो अपने हिसाब से सही ठोका है, उन्होंने तो सही ठोका है, लेकिन हरे कलर का दिखना चाहिए बस। उन्होंने तो सही ठोका, कलर टू कलर मिला दिया, लेकिन गलती किसकी, कंपनी की है। देखो गलती कैसे हुई है, ये जो वाइट पेंट वाला है, ये वाइट पेंट वाला कंपनी ने हरा पेंट यहाँ मारना चाहिए था, लेकिन वाइट मार दिया। पकड़े कैसे, अब यहाँ देखो, मैं इस गरारी को मान के चलो उल्टा कर देता हूँ ऐसे। अब देखो जीरो, यहाँ समझना, कहानी समझ में आ रही है। ये देखो, अब देख रहे हो ना, इसके बीच में आ गया, देख रहे हो, ये ऐसा। लेकिन कंपनी ने पेंट उल्टा मार दिया, खरा दिया ने पेंट के हिसाब से मैच कर दिया। ये असली सेटिंग है, देखो जीरो जीरो, देख रहे हो ना, एक दूसरे के सामने आ रहा है बिल्कुल जीरो जीरो। ये देखो इसका कहाँ है, और इसमें मैं सेम टू सेम इसको दिखाता हूँ, ये देखो कहाँ पड़ रहा है। ये देखो, देख रहे हो ना, ये खांचा टू खांचा नहीं बैठ रहा है, सीधा सीधा रखेंगे तो। ये देखो समझ में आ रहा है, तो एक उल्टा करना पड़ेगा आउट, एक इधर आउट करना पड़ेगा, तो समझो आधी पूरी गरारी सेट है। ये देखो नहीं टच हो रहा है, दोनों सामने सामने है, लेकिन इसका असली टाइमिंग ये है। ये देखो, देख रहे हो ना, एक में कट होता है, एक में नीचे होता है, ये असली टाइमिंग है। और कंपनी ने पेंट गलत मार दिए थे, जिसकी वजह से खरादिया ने क्या किया, ठोकते टाइम में खाली पेंट का ध्यान दिया और पूरी टाइमिंग आधी आउट हो गई। ये देखो, देख रहे हो ना, अब ये वाइट वाला पेंट इधर है और हरा वाला पेंट इधर है, यानी एक दूसरे के अपोजिट है। वाइट पेंट यहाँ, हरा पेंट यहाँ, तो आधी टाइमिंग आउट हो गई। इस तरीके से मिस्त्री भाई फंस जाते हैं, सही बता रहे हैं। अब इस टाइमिंग को क्या करेंगे, चाहे इसकी गरारी पलटवा लें, चाहे इसकी गरारी पलटवा लें, दोनों पलटवाने से टाइमिंग हमारी ओके हो जाएगी। चलो ये देखो, तो ये हमने गरारी पलट दी है अभी बिल्कुल जीरो जीरो, ब्लेड का रख दिया वो। अब मुझे लग रहा टाइमिंग यहाँ जीरो जीरो आ जाएगा, ब्लेड का आ गया, चलो लगाओ जरा। अब यहाँ पे टाइमिंग बिल्कुल मैच कर गई, ठीक है ना, क्योंकि गरारी हमने पलट दी, एक इसकी गरारी पलटी है, वो मार्का गलत होने की वजह से।
ठीक है, तो अभी 0-0 मैच कर रहा है। और सबसे मजे की बात देखिए, इनलेट इधर लिखा हुआ है, एग्जॉस्ट इधर लिखा हुआ है। एग्जॉस्ट का मतलब है कि इधर देखो साइलेंसर एग्जॉस्ट है, तो सही लिखा हुआ है इन्होंने एग्जॉस्ट, ठीक है। इनलेट इधर लिखा हुआ है, तो यानी इनलेट ए रहा। तो अब जाके ये मैच किया है, लेकिन मार्का गलत लगाने की वजह से कोई भी घूम सकता होगा, घूम जाएगा इस गाड़ी पे। जिसने मार्का गलत लगा दिया तो लोग सोचेंगे यार मार्का टू मार्का मिलाना, ऐसा बहुत गलत था ये, ठीक है। अभी मैंने ऐसे सेट किया, अब इसी कंडीशन में मैं टाइमिंग करने जा रहा हूँ। टाइमिंग को पूरी कंप्लीट कर दी हमने, अब टाइमिंग समझ लेते हैं बारीकी से कहाँ कहाँ मिला। एक तो यहाँ आपने देखा था जो कंपनी ने बारी में चेक किया था, इसको हमने सही कर दिया। सेकेंड टाइम इधर घुमाओ जरा, थोड़ा सा बोल्ट बाहर निकालो, एक ही रहा, कहाँ है देखने दो जरा, हाँ हल्का सा बाहर निकाल लो जरा सा, उसके बाद बस ये बस बस लगाओ, हाँ ठीक है। ये हुआ क्रेंक, एक नंबर चार नंबर टॉप पे गेम की टाइमिंग, ठीक है। गेम का स्पेशल टूल, कंडीशन ये हाई प्रेशर पंप की टाइमिंग, ठीक है। क्रेन का जो टाइमिंग दिखा, एक नंबर चार नंबर ऊपर टॉप पर, बस यही है टाइमिंग, नॉर्मल टाइमिंग है, क्लॉक वाइज रहेगा। बैटरी की कंडीशन ये बाद में टाइट करेंगे, लास्ट में, कार्टर नहीं है इसलिए लास्ट में टाइट करेंगे। तो फाइनल हो गई है पूरी गाड़ी, अब स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट स्टार्ट, तो गाड़ी स्टार्ट हो गई है, और इस कंडीशन में टाइमिंग फे टाइमिंग का जो रॉन्ग था वो टाइमिंग बिल्कुल सेट है। साउंड सुन लीजिए, तो टाइमिंग बिल्कुल एक्यूरेट हो गई है, और गाड़ी स्टार्टिंग भी बढ़िया हो गई, बिल्कुल छूते गाड़ी स्टार्ट हो रही है। तो अब चला फिरा के देखते हैं एक बार। भाई गाड़ी बढ़िया चल रही है इस टाइम में, और ये देखिए गाड़ी बेहतरीन। तो यही कहते हैं भाई, अपना दिमाग भी लगाना होता है, हमेशा मार्के का ध्यान नहीं रखना है कि कंपनी ने जैसे लगा दिया वैसे फिट करो। यदि हम वैसे फिट कर देते जैसा कंपनी ने मार्का लगाया था, उस मार्के से फिट कर देते, तो भाई खेल खत्म था, केम पेम सारे टूट जाते, इंजन पूरा खराब हो जाता। तो इसलिए बहुत बेहतरीन टाइमिंग हो गई और अच्छी टाइमिंग हो गई। तो ठीक है यार, ओके, थैंक यू यार, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दिल से थैंक यू।